करीबन करीबन 11 बजे हम लोग यहाँ पहुंचे थे, तो हमने एक रूम लिया था। कुछ इस तरीके का रूम है, ये 3-बेडरूम रूम था ये, इसके पीछे बाथरूम है। और मिल रहे थे 300 रुपए के, वो जिसमें ढेर सारे लोग सोते हैं, हॉल टाइप का, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था, उसके अंदर हवा भी आती, तो ये पूरा पैक्ड है एकदम। और ये जो आप देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड, ये सब टीन है, ये पूरा टीन के ही अंदर बनाया गया है, अभी बाहर से दिखाएंगे आपको। तो अभी हम लोग यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट, बज रहा है 12 और निकल रहे हैं अभी ऋषिकेश के लिए। वहाँ देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं, प्लान है कुछ अच्छा ही करने का, वो बाद में बताएंगे आपको। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जाएंगे नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर गाड़ी उठाएंगे निकल लेंगे। तो बाहर से कुछ इस तरीके का है नज़ारा, पूरा टीन ही टीन है, तो काफ़ी ढेर सारे रूम है यहाँ पे जो कि टीन के अंदर बनाए गए हैं ये। और ये अभी एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, जो कि बता नहीं रहे थे 300 रुपये में मिलता, तो कुछ इस तरीके का मिलता है। पैरों में बहुत दर्द हो रही है हम सबके, तो देखो कुछ इस तरीके का मिलता है अगर हम लोग लेते हैं 300 रुपये का। तो ये बॉयज़ हॉस्टल की तरह ऐसा लग रहा है ना, तो ये ठीक नहीं लगा, इसमें हवा हवा सब जाती। और हम लोग अभी पहाड़ी के ऊपर ही हैं सोनप्रयाग में, और पैर बहुत दर्द हो रहे हैं मेरे और अमित के, क्योंकि हम लोग ने कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ लिए थे हम लोग वहाँ से टैक्सी पकड़ने के लिए। तो अभी जा रहे हैं, गाड़ी को उठाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पहले आप मेरे सामने का व्यू देख लो कितना तगड़ा है। तो देखो हमारे होटल के सामने एक मौसम्बी का पेड़ लगा होता है, वो किसी अनजान की प्रॉपर्टी थी, उसमें घुस जाता है अमित और मौसम्बी तोड़ने लगता है। बस उसको यही डर लगता है, उसको साथ साथ हम सभी को डर लगता है, बस निकले ना और फटाफट से ये तोड़े और भाग आए हम लोग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश सोनप्रयाग से चलकर, लगभग 6.5 घंटे लगे हम लोग को यहाँ पहुँचने में। और अभी हम लोग हैं एक रेस्टोरेंट में, उसका नाम नहीं पता हमें, और यहाँ पर अपना फेवरेट और सबका ही फेवरेट है वहाँ, या मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं अपना फेवरेट खाना मंगवाए हैं, मतलब ऑर्डर किया हुआ है, तो देखो कब तक आता है। और वैसे काफ़ी दिन हो गए जब से घर से निकले हैं, तब से नहीं खाया वो चीज़, लेकिन अब जब खाएंगे तब आपको भी दिखाएंगे और आप भी देखना, और ये भी बताएंगे कि यहाँ पर कैसा मिलता है नॉनवेज, उसका टेस्ट कैसा होता है। तो मिलते हैं, जब तक खाना आने दीजिए। देखो कल का खाना ऐसा था कि फ्राइड राइस थी, फ्राइड राइस में अंडा डाला और चिकन डाल दिया, बना दिया चिकन बिरयानी, और चिकन मसाला हमने ऑर्डर किया था, और रोटी, रोटी और चिकन मसाला तो बढ़िया था, ठीक है, ऊपर से हम लोग ने मिर्चे खाए तो और अच्छा लगने लगा। लेकिन जब हम लोग ने बिरयानी खाई तब हमें पता चला कि हम बिरयानी नहीं, फ्राइड राइस खा रहे हैं, उसमें अंडा भी मिला हुआ है और उसमें चिकन भी मिला हुआ है। तो हम लोग ने फ्राइड राइस और चिकन और अंडा एक साथ में सब कुछ लपेट दिया, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी। लेकिन जो भी था ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक था, वो सादे खाने से तो अच्छा ही था, ठीक है। और फिर हम लोग ऊपर आए, ऊपर ऐसा आए हैं कि सारे के सारे 5 मिनट नहीं लगा, जैसे ही लेटे वैसे ही सब सो गए, ठीक है। अभी बज रहा है 9:30, अब उठे हैं, अब सब चाय नाश्ता देखो ये सब फैला हुआ है हमारे पीछे, फोन चार्ज हो रहा है, तो अभी बस निकलने की तैयारी हो रही है। फिर बाहर जाएंगे, कैंपिंग और राफ्टिंग का पैसा पूछेंगे कितना लगेगा, अगर होगा मन सबका तो कर लिया जाएगा, वरना फिर कुछ और देखते हैं। सारी तैयारी हमारे राफ्टिंग पर जाने के लिए हो रही है, पीयूष नहीं जा रहा हमारे साथ क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो उसने कहा हम होटल पे ही स्टे करेंगे। बाहर निकलते ही हमें दिखता है खतरनाक सा एक्सीडेंट, ये दोनों टैक्सी ड्राइवर आपस में भिड़ा देते हैं, ये लोग गलत गाड़ी चलाते हैं इसीलिए शायद से काफी तेज चलाते हैं। फिर पहुंचते हैं हम लोग वहां जहां से हमें राफ्टिंग बुक करनी थी, तो हमें पड़ा ये 450 रुपए एक पर्सन। फिर रास्ते में चलते हैं, एक और एक्सीडेंट दिखता है, ये कार खाई में जा चुकी थी। और फिर इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग वहां जहां से हमें राफ्टिंग शुरू करनी थी। तो फाइनली अभी हम लोग जहां से राफ्टिंग स्टार्ट करनी है वहां पर पहुंच गए हैं, और अभी ये सब उतारा जाएगा, फिर हमें खुद लादना पड़ेगा, और अभी लाइफ जैकेट वैकेट सब लादी जाएगी हमारे ऊपर। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, हम 15-20 मिनट लगेगा लगभग, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग नीचे जाएंगे। और मेरे सारथी को देख लीजिए जो हमारे आज श्री कृष्ण बने हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ। ऋषभ भैया हमारे श्री कृष्ण बने हैं, और ये रहा हमारा रथ, और इस पे जाके हम महाभारत का युद्ध करेंगे नीचे जाकर। तो अभी देखते हैं कि कैसे कैसे जाएंगे, वैसे तो बहुत पथरीला होता है और नंगे पैर हम लोग जा रहे हैं। और एक चीज़ और इनसे पूछनी है कि हमारे जूते चप्पल यहाँ रखे हैं, ये लेके तो नहीं चले जाएंगे,
फिर वरना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी लौटते वक्त। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, फिर बाद में बड़ी परेशानी हो जाती है। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस पानी का रंग नीला हुआ करता था, और आज देखो ये ब्राउन ब्राउन सा मिट्टी कलर का है, क्योंकि शायद से कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुई होगी आगे। लेकिन केदारनाथ में गए थे तो एकदम वाइट वाइट कलर का था पानी, और अभी एकदम गंदा सा हो रखा है, क्योंकि पता नहीं क्या ही हो गया, लैंडस्लाइड ही हुआ होगा तभी तो हुआ है ऐसा। तो अभी चलते हैं, इनसे समझते हैं कि करना क्या है राफ्टिंग के टाइम, वरना फिर हो जाएगा लोचा। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं, इनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, या अभी थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे कि क्या क्या हमें सावधानी, क्या क्या वार्निंग्स हैं, ठीक है, जो हमें राफ्टिंग के वक्त ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो चलते हैं, वो रही हमारी बोट, और ये रहा है हमारे एक और ब्लॉगर भाई। भाई अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। और भाई हमारे चैनल का नाम है पैराडाइज फाउंड हियर। तो जाके प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। ये भी भाई हमारे साथ राफ्टिंग भी करेंगे और कैंपिंग भी करेंगे। हम लाओ लिखेंगे भैया की जय की जय की जय। भाई सुन लो, बाहर हो के बेटे, बाहर हो के भाई, जो रैपिड देख के अंदर आ रहा है ना, वही सबसे पहले बाहर जाएगा। हो गया स्टॉप, चला फॉरवर्ड। अबे यार उसको स्क्रीन में देखो, क्या कर रही है जान, यस मुआ जा रुक रुक जय श्री राम, ओ पिया पति राम चंद्र की जय, गंगा मैया की जय। अरे भैया इसकी जैकेट हो गई, नहीं हो रही है, सबकी हो गई, बोल रहा ठीक है। घटाके साथ साथ हवा के संग संग, घटाके साथ साथ हवा के संग संग, ओ साथी चले मुझले के साथ चल तू, ओ हाथों में हाथ चल तू, मुझले के साथ चल तू, के हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। चला 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 पास ही पास, नहीं भी थोड़ा आगे जाके चला, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड बह जाओगे भैया, नीचे बह जाओगे। तो यार देखो, वापस से पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और एक बार फिर से राफ्टिंग का मज़ा लिया। बस मज़ा वहाँ किरकिरा हो जाता है जब ना ये यहाँ पर एंड हो जाती है राफ्टिंग। ओवरऑल इतना मज़ा आई, तीन रैपिड पड़े, तीनों में मज़ा आई, और इस बार तो ज़्यादा हम लोग पानी में थे, मतलब ज़्यादा देर तक, पिछली बार इतना नहीं क्योंकि नहीं रह पाए, क्योंकि डर था कि कहीं बह ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम तक हम रहे पानी में। अभी गोप्रो से शिवम भाई ले रहे हैं अपने फ़ोन में, मतलब OTG से। अब जाते हैं ऊपर क्योंकि कैम्प भी करना है।